अब तुम देख रहे हो भाषा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। अब तक तुम मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड सिंबल का बटन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में इसका साइड में बेल आइकन है, इसको भी दबा दीजिए, दबा कर ऑल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। मेरा लेटेस्ट अपडेट पूरा तुम्हारे को आ जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में तुम्हारे को बताने वाला हूँ नेटवर्क सेक्शन। हमारा मोबाइल में नेटवर्क कैसा वर्क करता है, हमारे को ट्रांसमिशन कैसा होता है और रिसीविंग कैसा होता है, ये वीडियो में तुम्हारे को बताने वाला हूँ। देखिए, पहला हमारा मोबाइल में सर्किट ऐसा रहता है नेटवर्क सेक्शन का, ये हमारा GSM पॉइंट है। GSM पॉइंट से लेकर एंटीना स्विच को आ जाता है सिग्नल। ये एंटीना स्विच से लेकर रिसीविंग सिग्नल और ट्रांसमिशन दोनों भी हमारा RFIC को आ जाते हैं। ये RFIC से लेकर फिर हमारा बफर IC रहता है, ये बफर IC को आता है सिग्नल रिसीविंग और ट्रांसमिशन का। बाद में हमारा ऑसिलेटर सेक्शन रहता है, इसमें ऑसिलेटर सेक्शन को आ जाता है रिसीविंग और ट्रांसमिशन सेक्शन RF सिग्नल। इसके बाद में सेम ST2 सिग्नल हमारा CPU को आ जाता है, CPU में इसे फिर लेकर हमारा सिम कार्ड को आ जाता है। ये ऐसा हमारा नेटवर्क सेक्शन वर्क करता है। हमारा सिम कार्ड से लेकर पहला सिग्नल CPU को आता है। हमारा सिम कार्ड में एक लोकल ऑसिलेटर रहता है, वो लोकल ऑसिलेटर में जनरेट हुआ है सो सिग्नल CPU को आता है, CPU से लेकर ऑसिलेटर को आता है। ये ऑसिलेटर में जनरेट हुआ है सो लोकल ऑसिलेटर भी रहता है इसमें क्रिस्टल बॉल कर, उससे लेकर और सिम कार्ड का दोनों का मिक्स होकर सिग्नल हमारे को ये बफर IC को आ जाता है। ये बफर IC से RFIC को आता है, RFIC से लेकर एंटीना स्विच से लेकर हमारे GSM पॉइंट का आउटपुट आ जाता है। ऐसा हमारा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो सकता है, हमारा मोबाइल में होता है। ऐसा होने से हमारा सिग्नल हमारे मोबाइल में नेटवर्क वर्क करता है। अब ये हमारा ओल्ड मॉडल मोबाइल बोर्ड है। अब लेटेस्ट वाला मोबाइल बोर्ड में ये थोड़ा वर्क सेक्शन हमारा डायरेक्ट CPU में दिया गया है। देखिए, लेटेस्ट मोबाइल बोर्ड में भी देखेंगे हमारा GSM पॉइंट है, GSM पॉइंट से लेकर RFIC आता है, RFIC से लेकर CPU को सिग्नल आता है और ट्रांसमिशन और रिसीविंग का दोनों भी आता है, उससे डायरेक्ट हमारे सिम कार्ड का आ जाता है। ये सिम कार्ड से लेकर CPU को आता है, CPU से लेकर RFIC से आउटपुट निकल जाता है। ऐसा हमारे लेटेस्ट मोबाइल बोर्ड में हो सकता है, होता है। अब ये हमारा बफर ऑसिलेटर दोनों भी हमारा CPU में दिया गया है लेटेस्ट मोबाइल बोर्ड में। हमारा ओल्ड वाला मोबाइल बोर्ड में बफर ऑसिलेटर सेपरेट से रहता है। अब ये मैं तुम्हारे को टू टाइप्स मेरे पास सात मोबाइल बोर्ड है, अब उसमें मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। देखिए, यह हमारा पहला वाला मोबाइल बोर्ड है, पहला बताया ना है ये सेक्शन वन, इसमें मोबाइल बोर्ड है। ये देखिए हमारे GSM पॉइंट है, GSM पॉइंट से लेकर एंटीना स्विच है, ये एंटीना स्विच कहा गया है, उससे नेटवर्क ऐसी है। ये नेटवर्क ऐसे RFIC बोलते हैं, RFIC के बाद ये ऑसिलेटर सेक्शन है, ये ऑसिलेटर से लेकर फिर ये हमारा CPU को आ जाता है, ये CPU से लेकर फिर हमारा सिम कार्ड को आ जाता है। ऐसा हमारा वर्क होता है ओल्ड वाला मोबाइल बोर्ड में, सिम से लेकर CPU को, CPU से लेकर ऑसिलेटर को, ऑसिलेटर से लेकर नेटवर्क IC को, नेटवर्क IC लेकर एंटीना को, एंटीना से लेकर GSM पॉइंट को आता है। अब देखिए, ये हमारा GSM पॉइंट है, GSM पॉइंट से एंटीना स्विच कहा गया है, एंटीना स्विच से लेकर नेटवर्क RFIC कहा गया है, ये RFIC लेकर ये हमारा बफर IC है छोटे वाले, देखिए ये बफर IC को आता है, ये बफर IC से लेकर ऑसिलेटर को आता है, ऑसिलेटर से लेकर इधर देखिए ये हमारा CPU वाला सप्लाई आने वाले सिग्नल आने वाले कैपेसिटर से, इसी से लेकर हमारे को हमारा CPU को आता है, ये CPU से लेकर हमारा सिम कार्ड को आ जाता है। ऐसा हमारा नेटवर्क सेक्शन वर्क करता है हमारा मोबाइल बोर्ड में। ये ओल्ड टाइप है, ज्यादातर से हमारे को नेटवर्क सेक्शन प्रॉब्लम आया था, ये क्रिस्टल में फॉल्ट रहता है और लो सिग्नल आता है तो, और सिग्नल अप एंड डाउन वेरिएशन होता रहे तो, ये हमारा नेटवर्क इससे लेकर एंटीना स्विच और जैसे पॉइंट कैपेसिटर्स रजिस्टर्स है, देखिए फाइल्स के नाम फॉल्ट रहता है, ये चक्कर से हमारा लो सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, अब मैं लेटेस्ट बोर्ड में दिखाऊंगा फिर, देखिए अब ये देखिए ये हमारा लेटेस्ट मोबाइल बोर्ड है, इसका नेटवर्क सेक्शन ऐसा रहता है, नजदीक से बताता हूँ मैं। देखिए,
ये हमारा GSM पॉइंट है, उससे लेकर डायरेक्ट एनालिसिस भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट दिया गया है देखिए, इससे लेकर हमारा डायरेक्ट नेटवर्क ऐसी आ गया है। ये नेटवर्क ऐसी में हमारा बफर भी रहता है, ऑसिलेटर सेक्शन भी रहता है। इसके बाद डायरेक्ट हमारा CPU को दिया गया है देखिए, यहाँ से लेकर इनपुट आउटपुट सेक्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन सिग्नल हमारा CPU को दिया गया है। CPU से लेकर डायरेक्ट हमारा सिम कार्ड आ जाता है, ये सिम कार्ड में जनरेट हुआ है जो सिग्नल हमारे को CPU का आता है। CPU से लेकर डायरेक्ट हमारा RFIC का आ जाता है, डायरेक्ट लेकर हमारा नेटवर्क IC का GSM पॉइंट आ जाता है। मेन से हमारे इसमें नेटवर्क सेक्शन प्रॉब्लम आया है तो ये ऑसिलेटर है देखिए, क्रिस्टल बोलते हैं इसको, इसमें फॉल्ट ज्यादा से रहता है, ये चेंज करने से सॉल्व हो जाता है। दूसरा हमारा लो सिग्नल रहे तो हमारे को ये नेटवर्क इससे लेकर देखिए, यहाँ से लेकर हमारे जिस पॉइंट तक रजिस्टर से देखिए, रजिस्टर कैपेसिटर ये सेक्शन देखने से हमारे को लो सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा हमारा ये मोबाइल बोर्ड में नेटवर्क सेक्शन वर्क करता है। ऐसा नया वीडियो पूरा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज, थैंक यू।